सभी को नमस्कार। मैं मोहित आज आप सभी के सामने नरेश मेहन द्वारा रचित एक बाल कहानी जिसका नाम है चिड़िया का घर। ये नाम जितना सुंदर है ये कहानी उतनी ही ज़्यादा प्रिय। तो आप सभी के साथ इस कहानी को साझा कर रहा हूँ। एक चिड़िया का परिवार लंबे समय से वातानुकूलित कमरे में रह रहा था। वहाँ बहुत आराम था, न सर्दी लगती और न गर्मी। मकान मालिक का एक नौजवान लड़का था। वो सारे दिन कंप्यूटर पर काम करता रहता और उसकी छोटी बहन सारे दिन टीवी देखती या सारे दिन मोबाइल देखती रहती थी। एक दिन दोनों भाई बहन जोर जोर से शोर मचा रहे थे। उनका एसी खराब हो गया था। चिड़िया के परिवार को बहुत गर्मी लगी। उन्हें मजबूरी में परिवार सहित छत की मुंडेर पर बैठना पड़ा। छत की मुंडेर पर बैठी चिड़िया व उसके बच्चे जोर जोर से शोर मचा रही थी। ओहो ओहो, यहाँ तो बहुत गर्मी है, हम तो यहाँ पर मर ही जाएंगे। तभी एक चिड़िया जो दूर बैठी थी उनका शोर सुनकर उनके पास आ गई और उसने ध्यान से देखा, ये छोटी डुलमुल भूरी सी चिड़िया कौन है? एक बुजुर्ग चिड़िया ने उसे पहचान लिया। अरे ये तो भूरी है, भूरी। मुझे पहचानो भूरी, बताओ बताओ मैं कौन हूं? भूरी ने कहा, बहन मेरे पास आओ, मुझे दूर से दिखता नहीं कुछ भी। अरे मैं तुम्हारी मौसी की बेटी गोरी हूं। अरे पास आओ। हाँ अब पहचाना, गौरी बहन हो। गौरी ने कहा, भूरी तुम्हें यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, चलो उस पेड़ पर चलें, वहाँ मेरा घर है, वहाँ बहुत शीतल और शुद्ध हवा आ रही है। गौरी बहन, मैं और मेरे बच्चे वह तेरे जीजा जी वहाँ तक उड़ ही नहीं सकते थे, हम तो छत के मुंडेर तक भी मुश्किल से बैठ बैठ कर पहुँचे हैं। ओह भूरी, उड़ना तो हमारा धर्म है और आप लोग उड़ना ही भूल गए। इतने में भूरी का छोटा बच्चा हैप्पी बोला, गौरी मौसी मैं बताता हूँ हमारा ये हाल कैसे हुआ। हम सभी लंबे समय से वातानुकूलित कमरे में रह रहे थे। सारा दिन हम टीवी व मोबाइल देखते थे। पापा और मम्मी टीवी के सारे सीरियल और मैं क्रिकेट के सारे मैच देखता हूँ। मैंने तो जब से अपनी आंखें खोली है विराट कोहली को बैटिंग करते ही पाया है। पहले तो हम रोशनदान से टीवी देखते थे, फिर सामने वाली अलमारी के ऊपर बैठकर देखने लगे। हमें फिर लगा अब दूर से साफ नहीं दिखता, हम और नज़दीक चले गए। अब तो नज़दीक से भी मज़ा नहीं आता। हमारे बीच में पड़े किताबों को रेक पर बैठ गए। वहाँ पर मालिक का एक पुराना चश्मा खुला रखा हुआ था। हमने मालिक के चश्मे से टीवी देखा तो हैरान रह गए, अरे इससे तो बहुत साफ दिखता है। अब हमारा परिवार चश्मे के पीछे बैठकर आराम से टीवी देखता है। भूरी का छोटा बच्चा टोनी बीच में बोला, मौसी ये पैड कैसे होते हैं? हमने तो सिर्फ टीवी पर ही देखे हैं, हम तो जन्म से ही टीवी देख रहे हैं। गौरी ने कहा, तुम प्रकृति के जीव हो, मानव की तरह प्रकृति से दूर होते जा रहे हो, ये हमारे लिए खतरनाक बात है। एक दिन तुम्हें ब्लड प्रेशर शुगर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, अपने आप को संभालो बेटे। इतने में एक बिल्ली का बच्चा जो उनकी बातें सुन रहा था भागा भागा मम्मी के पास आया, मम्मी मम्मी आज शिकार अपने आप मिल गया, चार पांच मोटी मोटी चिड़िया मुंडेर पर बैठी है, वे न तो उड़ सकती ना ही कुछ देख सकती, हम उन्हें आराम से पकड़ लेंगे। बिल्ली बोली, नहीं बेटे वो अपनी आदतों की मारी हुई है,
हम इंसानों की तरह मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते, हमारे भी कुछ सिद्धांत हैं। वो चिड़िया प्रकृति के साथ नहीं रही, इसीलिए सजा भुगत रही है, भूरी का बच्चा बोला। माँ, अब हम मनुष्य के बनाए घर में नहीं रहेंगे, हम अपने प्रकृति द्वारा दिए गए घर पेड़ पर रहेंगे, हमारे पूरे परिवार सहित, जिससे हम सब स्वस्थ रह सकें और मैं भी अपने भाई बहनों के साथ खेल सकूं। मानव प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है, इसलिए उसे अस्पताल और दवाइयों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। हम प्रकृति के जीव हैं, हमें न दवाइयां चाहिए और न ही अस्पताल। तो ये थी कहानी चिड़िया का घर, जिसके